एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। आई एम योर होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग रिव्यू। जिस गाड़ी के अंदर मैं आज हूँ, दिस कार इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान और इस कंपनी ने रिसेंटली मास्टर मोटर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया और अपनी पहली सेडान लॉन्च की एल्फिन के नाम से। एंड दिस इज देयर फर्स्ट SUV व्हिच इज पैक्ड विद फीचर्स। सो कैन यू गेस द कार? हमारे पास है चैंगन की ओशान X7 जो कि कॉस्मिक रेड कलर में, इट लुक्स अमेजिंग। इस गाड़ी की फ्रंट लुक जो है दैट इज वेरी एग्रेसिव और इसके यू आर गेटिंग DRLs, यू आर गेटिंग बाई बीम्स, ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प्स और जो इसकी फ्रंट ग्रिल है, चैंगन सेज इट इज इंस्पायर्ड बाई ओशन वेव्स, इट इज कॉल्ड सर्ज फ्लो ग्रिल। और अगर आप देखते हैं इसके थ्रू आउट, इसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक या इसको पियानो ब्लैक कह सकते हैं, वो एक्सेंट्स थ्रू आउट फ्रंट ग्रिल में भी यूज़ किए गए हैं। एंड व्हेन यू सी इन डिटेल, यहाँ पे इसकी थ्रू आउट क्रोम की लाइनिंग जा रही है। अपनी कंपेटिटर क्लास में ये गाड़ी आ रही है टक्कर देने सब गाड़ियों को। और इस गाड़ी के हुड पे भी वो कर्व्स दिए हुए हैं जो इसको स्पोर्टी और एरोडायनामिक लुक देते हैं। और इसके यहाँ पे देखिए प्लास्टिक यूज़ किया गया है जो कि स्टिल इट इज़ वेरी कर्वी एंड वेरी एग्रेसिव एट द सेम टाइम। इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो इन्होंने बड़ी यूनिक सी जगह पे दी गई हैं जो कि यहाँ पे हैं। दीज आर DRLs प्रोजेक्टर लाइट्स एज वेल। और इसके अंदर आपको मिल रहे हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जो फ्रंट कैमरा है वो इसके फ्यूचर सेंस जो मॉडल है उसके अंदर है। ये उसका बेस वेरिएंट है जिसका नाम है कंफर्ट। एंड व्हेन यू कम टू द साइड, अगर आप इसकी फ्रंट लुक साइड से देखें तो इसका थोड़ा सा फॉर्च्यूनर का टच आता है। जो इसकी ओवरऑल गाड़ी की डायनेमिक्स है, मुझे उसमें दो तीन गाड़ियों का मिक्सचर नज़र आया है। व्हेन यू लुक एट द साइड, थ्रू आउट एक लाइन जा रही है। और अगर आप इसको पीछे खड़े होकर देखें तो इसमें रेंज रोवर का वो टच आता है, जो कि साइड इसके जो कर्व्स है और जो इसकी कैरेक्टर लाइंस है वो मुझे लगता है कि रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। एंड व्हेन यू कम टू द साइड, यू आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स विद LED टर्न सिग्नल्स एंड दीज मिरर्स आर हीटेड। सो फीचर्स की इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। इसका ओवरऑल साइज जो है वो एक MG टूसॉन और स्पोर्टेज से बड़ा है और इसको आप कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ लिटल स्मॉलर देन फॉर्च्यूनर। यू आर गेटिंग रूफ रैक जो कि सिल्वर में आता है और इसके साथ कंट्रास्ट में आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है जो कि थोड़े छोटे साइज का है। एंड यू आर ऑब्वियसली गेटिंग ह्यूज 19-inch व्हील्स जो कि एयर टर्बाइन डिज़ाइन के अंदर है और इसकी स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो अलग बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी कुड बी क्वेश्चनेबल, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अपनी कंपेटिटर क्लास में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और जितनी ये गाड़ी फ्रंट से खूबसूरत है उससे ज़्यादा ये गाड़ी बैक से खूबसूरत है। यू आर गेटिंग अ कॉन्टीन्यूस टेल लैम्प विच इज़ LED ऑफ कोर्स, जो कि e-tron से काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर्ड लगा है। यू आर गेटिंग हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स और यू कैन ओपन द बूट। इस वाले वेरिएंट में आ रही है मैनुअल ओपनिंग, आपको इसको मैनुअली खोलना पड़ता है। दिस इज़ अ 7-seater, अगर आप इसको रिक्लाइन करें यू कैन गेट एम्पल ऑफ स्पेस एज वेल। आई हैव टू क्लोज इट। इसके थ्रू आउट यहाँ पे एक क्रोम की लाइन जा रही है अंडर द लाइट्स और ये लाइट्स आप देख सकते हैं कि जलते हुए इस गाड़ी को पीछे से बहुत ही खूबसूरत फील देती हैं। और इसकी आप अगर चाबी देखें तो उसके ऊपर भी इसी जैसा लोगो लगा हुआ है। और आपको मिल रहा है यहाँ पे बोनलेस वाइपर। एंड व्हेन यू कम टू द साइड, आपको यहाँ पे एक रेड लाइनिंग नज़र आएगी बिकॉज दिस इज़ माय फेवरेट कॉस्मिक रेड कलर, तो इसमें ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, बट यू हैव ऑप्शंस ऑफ चूजिंग बिटवीन 6 डिफरेंट कलर्स। और अगर आप किसी और कलर में लेंगे तो ये रेड लाइनिंग आपको थ्रू आउट जो है वो प्रोमिनेंट लगेगी, जो कि साइड पर भी और फ्रंट बम्पर पर भी है। और इसकी चाबी का फीचर है फॉर प्री कंडीशनिंग, बाय अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन स्टार्ट द कार। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा
सर्दी पड़ती है, आप गाड़ी में बैठने से पहले अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, विच आई फाइंड वेरी वेरी यूजफुल। ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द इंटीरियर ऑफ दिस कार बिकॉज दिस इज अ फीचर पैक्ड कार। और गाड़ी की प्री कंडीशनिंग हुई हुई है और राइट टेम्परेचर पे गाड़ी है। मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के बहुत देर एसी का ठंडा करने का वेट नहीं करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं इस फीचर की तारीफ करूंगा। और जब इसका आप डैश देखते हैं, इसका टॉप एरिया जो है डैश का, वो मुझे फॉर्च्यूनर से काफ़ी मिलता जुलता लगा, लेकिन इसके इंटीरियर में फॉर्च्यूनर से रिजेंबलेंस सिर्फ इतनी ही थी। जब आप नीचे आते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी लग्जूरियस इंटीरियर। इसका जो थ्रू आउट स्टिचिंग है, बहुत एक्सटेंसिव स्टिचिंग के पैटर्न्स है इसके अंदर, और इसका जो इंटीरियर कलर है उसको कहा जाता है आइवरी वाइट। इसके अंदर पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। जो ग्लॉसी लुक है, जो इसका गियर वाला एरिया है स्पेशली, वो थ्रू आउट जो है वो पियानो ब्लैक है। और इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके साथ एक थ्रू आउट पैनल जा रहा है, जिसके अंदर वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन ब्लेंडेड है, इट इज़ नॉट लाइक स्टैंडिंग आउट और समथिंग। इस पैनल से अगर आप नीचे आए तो आपको एक ब्रश्ड एल्युमिनियम की फील आती है, जो कि लाइट ग्रे कलर के अंदर है। इसके इंटीरियर में दो तीन डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करें तो अंदर के जो मटेरियल की क्वालिटी है वो कहीं भी मुझे कॉम्प्रोमाइज्ड बिल्कुल भी नहीं लगी। इट इज़ अ वेरी लश इंटीरियर। वाइट कलर का फ़ायदा है कि आपको गाड़ी स्पेशियस ज़्यादा लगती है, स्पेशली अगर इसके अंदर लाइट आ रही है तो आपको एक फील होगा कि ये एक बड़ा इंटीरियर है, खुला इंटीरियर है। जो कि ऑन द अदर हैंड जो कि डार्क इंटीरियर्स हैं, जिस तरह आपने मेरा रिव्यू देखा होगा होंडा सिविक RS का, उसका पूरा रूफ और पूरा इंटीरियर ब्लैक था। कुछ लोगों को वो पसंद आता है, लेकिन वो थोड़ा उसको जो है वो छोटी इंटीरियर की फील देता है। इस गाड़ी का जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसका लिड ऑलमोस्ट लैंड क्रूजर जितना बड़ा है, जो कि और इसके जो टच पॉइंट्स हैं, जो कि आपके लेफ्ट बाजू के लिए और राइट बाजू के लिए है, दोनों पे ही सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो इसका आप प्लास्टिक का फील देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो विथ कुशनिंग इवन ऑन द डोर हैंडल्स एज वेल। और अब हम बात करेंगे इसकी सीट्स की, जो कि सिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं इसकी फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर वी आर गेटिंग मैनुअल सीट्स। नो लंबर सपोर्ट, बट नो वरीज, वी आर गेटिंग एम्पल ऑफ फीचर्स इन दिस कार। और इसकी डिटेल अगर आप देखें तो इसके डोर हैंडल्स की जो सिल्वर आउटलाइनिंग है वो मैट फिनिश के अंदर है, और उसके अंदर हैंडल भी बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के किए गए हैं। कहीं ना कहीं इसका जो इंटीरियर है वो लेटेस्ट मर्सिडीज से मुझे इंस्पायर्ड लगा। बहुत सारी गाड़ियों के इसमें मिक्सचर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, और इस गाड़ी के वेंट्स जो है वो बहुत कोई यूनिक नहीं है, दीज आर स्टैंडर्ड वेंट्स। लेकिन इस गाड़ी का जो एयर फ्लो है और एसी है वो अपनी सारी कंपेटिटर क्लास में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इस गाड़ी के इंटीरियर में मिनिमलिस्टिक अप्रोच यूज़ की गई है, आपको बहुत ज़्यादा बटन्स देखने को नहीं मिलते। यू आर गेटिंग टच पैनल्स हियर फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। इसके अंदर बाय द वे सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। और अगर आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखें, यू आर गेटिंग अ डी शेप स्टेयरिंग व्हील, जो कि इसका जो बेसिक वेरियंट है, जो कम्फर्ट वेरियंट है, इसके अंदर माइक्रोफाइबर है। और जो इसका फ्यूचर सेंस वेरियंट आ रहा है उसके अंदर यू आर गेटिंग फुल लेदर स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपको सात और मिल रहे हैं, यहाँ से आप मल्टीमीडिया ऑप्शंस अपने यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिल रहा है क्रूज कंट्रोल एज वेल। इफ़ यू गो इन फ्यूचर सेंस मॉडल, उसके अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और यू आर गेटिंग स्मार्ट फीचर्स एज वेल। लेकिन इसके अंदर यू आर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ स्मार्ट फीचर्स, बट द क्रूज कंट्रोल इज़ देयर। और यहाँ पे आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, ऑटो ब्रेक होल्ड मिल रहा है, जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियों में इज़ अ स्टैंडर्ड। आपको ड्राइविंग मोड्स के लिए टॉगल बटन यहाँ पे मिल रहा है, एंड व्हेन यू कम टू द राइट साइड यू आर गेटिंग हिल असिस्ट, जो कि हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपकी गाड़ी अगर आप रेस छोड़ें तो वो पीछे को नहीं जाती, और हिल डिसेंड में भी तो आप बड़ा कंट्रोल में रहती है, तो सेफ्टी वाइज ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर आप इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर देखें तो यू आर गेटिंग अ 7-inch स्क्रीन
जो कि जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही डायनामिक लगा है और बहुत ही डिटेल्ड है। अब मैंने रिसेंटली जो रिव्यू किया था BMW iX का, एग्जैक्ट सेम लेआउट था, लेफ्ट साइड पे स्पीडोमीटर था, राइट साइड पे रेव मीटर था। और अगर हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो मैं नोट करता हूँ वो उसका टच का फील है, जो कि मुझे लैगी लगा है। तो कहीं ना कहीं वो चाइना वाली फील मुझे बिल्कुल आई है, बिकॉज जो ये स्क्रीन्स अब आ रही हैं वो बहुत ही कंपेटिटिव और फ्लुएंट आ रही हैं, तो इसमें मुझे को बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं फील हुई। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, यू आर गेटिंग सेल फोन कनेक्टिविटी और आप इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अबाउट द लाइट्स, अबाउट द वेलकम लाइट। इस गाड़ी के अंदर बेतहाशा फीचर्स हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक यूनिक फीचर जो मुझे लगा है, इफ़ आई टर्न माय विंडो डाउन, और इसके अंदर एक कार वॉशिंग मोड दिया गया है। अगर मैं उसको ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारे शीशे ऊपर चले जाते हैं। इट इज़ मोस्टली फॉर द ऑटोमेटिक कार वॉश, और इसके साइड में जो है वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर जो कि मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ियों में नहीं देखा। और इसका वॉक मी होम हेडलाइट्स भी हैं, और इसका एक पूरा सीक्वेंस है जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको ब्रीदिंग लाइट्स मिलती हैं जब आप प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, गाड़ी के करीब आते हैं तो गाड़ी अनलॉक होती है और उसकी हेडलाइट्स जो है वो ब्रीद करने लग जाती हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सीट्स इतनी अनकंफर्टेबल हैं तो क्या मैं पीछे फिट हो सकता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। इसकी कस्टमाइजेशन का लेवल मैं आपको बताता चलूँ। इसके अंदर आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक लॉक व्हेन द की लीव्स ऑप्शन। अगर आप गाड़ी से बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी लॉक हो जाती है। उसके अलावा आपको साउंड प्रॉम्प्ट मिल रहा है फॉर सक्सेसफुल लॉकिंग। अगर आप चलते हो, आपने गाड़ी का बटन दबाया लॉक का और सारे दरवाजे बंद नहीं हैं तो वो साउंड नहीं करेगा। तो अगर सारे दरवाजे सक्सेसफुली लॉक्ड होंगे तो उसका हॉर्न का साउंड आएगा। इसका लॉकिंग का फीचर भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं बाय प्रेस ऑफ अ बटन। अगर आप चारों दरवाजे लॉक करना चाहते हैं या अनलॉक करना चाहते हैं या सिर्फ ड्राइवर साइड का करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ड्राइविंग फटीक केयर भी मिल रहा है जिसको आप सेट कर सकते हैं फ्रॉम 2 to 4 hours अपनी मर्जी से, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे रूट पर जा रहे हैं तो आफ्टर 2 या 4 hours डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आपको ये गाड़ी नोटिफिकेशन देगा कि यू नीड रेस्ट। यू आर गेटिंग कस्टम ड्राइविंग मोड जिसके अंदर आप 3 different levels पे अपनी स्टेयरिंग की स्टिफनेस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको व्हीकल कंडीशन का भी ऑप्शन मिलता है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगर्ड, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं अपनी गाड़ी की ऑयल क्वान्टिटी, ब्रेक फ्लूड, एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स, और जो इसका इसके अंदर टायर प्रेशर मोनिटर भी है। एंड यू आर गेटिंग अ ह्यूज checklist जो कि अभी मुझे सब ओके बता रहा है, द कार इज वर्किंग परफेक्टली, ऑल राइट। ऑब्वियसली यू आर गेटिंग अ पैनोरामिक सनरूफ एज वेल, और इसका पैनोरामिक सनरूफ बहुत बड़ा नहीं है बट इट डज द जॉब। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ करते हुए मैंने एक चीज़ फील की है, व्हेन एवर आई एम यूजिंग इट, तो नीचे जो इसका थ्रू आउट टच पैनल दिया हुआ है उससे मैं चाहते या ना चाहते हुए इंटरैक्ट करता हूँ। कभी हैजर्ड ऑन हो जाते हैं, कभी फैन स्पीड जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये थोड़ी सी मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम लगी। इसके अंदर मिल रही हैं आपको 1-shot windows फॉर ऑल 4 windows, और इसके अंदर एंटी ट्रैप फंक्शन भी है। अगर आपका हाथ अंदर रह जाए तो वो ऑब्वियसली इट वोंट गेट हर्ट। और इसके अंदर जो एडिड फीचर है कि इसका हॉर्न भी साथ बजता है कि गाड़ी में कुछ ख़राबी हो रही है, तो These are very cool features you're getting in Ocean X7। ये तो बात हो गई फ्रंट की, अब देखते हैं बैक सीट्स के ऊपर कितनी स्पेस है। सो लेट्स गो। बैक सीट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंफर्ट। इसकी बैक सीट कंफर्टेबल तो है लेकिन देर इज़ नो लेग स्पेस। मेरी हाइट 5 feet 10 inches है और थ्रू आउट मेरे जो दोनों घुटने हैं वो टच हो रहे हैं टू द फ्रंट सीट। को बहुत लंबा सफ़र मैं इस गाड़ी में नहीं कर सकता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी जो बैक सीट्स हैं
इसमें एटलीस्ट इससे ज़्यादा स्पेस होगी। यू आर गेटिंग रेयर वेंट्स और इट इज़ अ सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। इसके अलावा आपको नीचे मिल रहे हैं चार्जिंग पोर्ट्स और फ्रंट पे दो चार्जिंग पोर्ट्स और 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट एज वेल, जो कि आपको फ्रंट स्टोरेज कंपार्टमेंट में मिलता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सीट्स इतनी अनकंफर्टेबल हैं, तो क्या मैं पीछे फिट हो सकता हूँ, क्योंकि पिछली सीट जो है वो बहुत ही मुझे छोटी लग रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू गाइज टू गो इन द बैक सीट्स और देखता हूँ मैं पूरा आ सकता हूँ कि नहीं। लेट्स सी। यहाँ से गुजरना भी काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए और इट इज़ अ सेवन सीटर कार, लेकिन मैं कहूँगा इसको ज़बरदस्ती सेवन सीटर बनाया गया है। और अगर इसको मैं फुल पीछे करूँ तो नो 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मैं इधर शोर मचाने लग जाऊँगा कि मुझे इस गाड़ी में से निकालो। इट इज़ अ फोर्स्ड सेवन सीटर कार यहाँ पे। हाँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं, छोटी फैमिली इस तरह की है कि जिसमें बहुत छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, तो वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स ड्राइव दिस कार एंड आई एम वेटिंग टू सी के इसकी पावर की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अब हम करने लगे हैं इसकी ड्राइव और हमारे पास है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि गाड़ियों के शौकीन भी हैं और गाड़ियां इंपोर्ट भी करवाते हैं पाकिस्तान में। आई वुड लाइक टू वेलकम फैजान बट विद मी हु इज द ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल ओशान X7 एज वेल। सो सर अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं कहूंगा थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गियर अप। या थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल सर। सो लेट्स गो। मैं इस गाड़ी की ड्राइव श्योर की तारीफ तो बहुत सुनी है, लेकिन देखते हैं कि इट विल गिव यू दैट मच ऑफ अ फन। तो फैजान, यू आर समवन हु नोज कार, जिसको शौक है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी जो कंपेटिटर क्लास है, आपको MG मिल रही थी, हुंडई ट्यूसॉन मिल रही थी, किया स्पोर्टेज मिल रही थी, तो वाई दिस न्यू काइंड ऑफ अ ब्रांड ओशान X7? उसके ये था हम भाई कि देखें इट्स मच बिगर देन दोस्ट कार्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसका ड्राइव अच्छा था, और जो सबसे मेन रीजनिंग है कॉमन पर्सन के लिए, बिकॉज ऑल द टर्बोज आर राइट नाउ इन द मार्केट, वो सब हाई ऑक्टेन के ऊपर ड्रिवन है। Okay. ये गाड़ी नॉर्मल फ्यूल के ऊपर ड्रिवन है, एक ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। बिल्कुल, और जो कि ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस जो है स्काई रॉकेटिंग, तो दैट्स व्हाई मैं इसकी तरफ थोड़ा सा हुआ। बाकी इसकी अपीयरेंस वाइज उन गाड़ियों से मुझे ज्यादा अपीलिंग लगी, खूबसूरत लगी, और द कंफर्ट ऑफ दिस कार इज रियली गुड। हाँ, पीछे थोड़ी सी लेग स्पेस में इश्यूज हैं, नो डाउट, बिल्कुल, बट द एक्चुअल यू आर ड्राइविंग इट राइट नाउ, बट द एक्चुअल ड्राइव ऑफ दिस कार इज रियली बेटर देन दोस, लाइक अगर हम इसको MG से आप कंपैरिजन में लें, बिल्कुल, या आप इसको देखें इसके कंपेटिटर्स में, मुझे लगता है MG है या ट्यूसॉन है या स्पोर्टेज है, बिल्कुल, ठीक है? तो अगर हम उन दोज आर ऑल्सो कोरियन सर, अगर हम उनको एक हेड स्टार्ट, व्हाई नॉट दिस, एक ये भी मेरे ज़हन में एक पॉइंट था, तो दैट्स व्हाई आई गो फॉर दिस कार। और जहाँ तक मैं आपकी चॉइस को, बिल्कुल आई विल सेकंड दैट, अगर इस प्राइस ब्रैकेट में मैंने भी गाड़ी लेनी हो तो ये एक मेन कंपेटिटर होगी, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स आपको मिल रहे हैं। विड्थ मुझे इसकी बहुत पसंद आई है, एज आई नो इसकी जो विड्थ है वो फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा है। जी, बिल्कुल सर, स्पेशियस हो जाती है गाड़ी। आप एट द एंड ऑफ द डे द चाइनीज Chinese company, Chinese no doubt, इसका JV हुआ Master Motors के साथ and everything. तो आपको इस गाड़ी में बैठ के चाइना की फील कितनी दफा आई है? To be very honest, it is a very, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। नहीं सर, मुझे चाइनीज फील नहीं आई, बिकॉज देखें बात होता है, अगर आप इसके आपने देख रहे होंगे तो इसके अंदर थ्रू आउट आपको एक लेदर अपोस्ट्रोफी फील आ रही होगी, बिल्कुल, जो कि कोई चीप फील नहीं देता है। मैं तो एक बड़ा लग्जूरियस फील आपको अंदर बैठ के मिलती है, जो कि आपको कुछ देर के लिए यू फॉरगेट कि आप किसी चाइनीज गाड़ी में बैठे।
बिल्कुल, मैं अंदर बैठ के आई वाज सरप्राइज्ड, और इसकी जो एक्सटेंसिव स्टिचिंग है ऑल अराउंड, तो वो कहीं से भी नहीं लग रहा आपको कि कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया इंटीरियर के ऊपर, सिवाय एक चीज़ के ये जो रियर व्यू मिरर है इसको ऑटो डिमिंग या एंटी डैजल कुछ होना चाहिए था, ये बिल्कुल उन्होंने देसी बटन दिया है टक टक वाला। आपका इसको इत्तेफाक हुआ है लॉन्ग रेंज ट्रैवल पे या हाईवे पे या हिली एरियाज पे, क्योंकि इसके अंदर हिल असिस्ट का और वो सारे फीचर्स हैं? सर मैं आई हैव ड्रिवन दिस कार फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर, और मुझे इसने बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव रहा इसका, एंड गिव्स मी अराउंड 15 to 15 किलोमीटर पर लीटर एवरेज। ऑब्वियसली आपकी ड्राइविंग जो स्टाइल है वो बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी में से 15 की एवरेज निकाल रहे हैं हाईवे पे भी, तो और आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली, और 15 अगर इसके गाड़ी है, इसके कंपेटिटरशिप में आप जाएंगे तो MG आपको आई थिंक 7-8 दे रहे हैं, ट्यूसॉन भी इसके आसपास ही है, बिल्कुल ये 10 से आगे पीछे ही सारे जो है वो, और ये विद इन अ सिटी ये मुझे गाड़ी अराउंड 10 टू 11 की एवरेज पे चली जाती है, मतलब इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव इट, बट इस रेंज के अंदर इतने बड़े, अगर आप प्यार से चलाने पे आए तो आप 10-11 की एवरेज, इतने बड़ी बॉडी के साथ अगर ये गाड़ी 1500cc टर्बो इंजन के साथ मुझे एवरेज देता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एवरेज आई थिंक एब्सोल्युटली, और अपनी मेरे ख्याल में जितनी ये कंपेटिटर्स हैं उनसे तो ये बहुत आगे एवरेज के मामले में, अगर आप फ्यूल सेविंग करना चाहते हैं ये एवरेज कोई भी गाड़ी इसकी कंपेटिटर क्लास में नहीं दे रही, इट इज़ अ विनर एज फार एज अ फ्यूल एवरेज इज कंसर्न। और हम इस गाड़ी का 0-100 ट्राई करने लगे हैं, तो फैजान भाई Let's start this, आप करेंगे 3-2-1 और मैं उसी वक्त इसको जो है वो लॉन्च करूंगा। चंगान जिंदाबाद जी, चंगान जिंदाबाद, लेट्स गो, 1-2-3 गो। आई थिंक दिस वन विल बी मच बेटर। यस सर, वो लाइक वी केम डाउन टू 9.40 seconds, 9.4 seconds. तो वो एक बटन से आप इसका मैक्सिमम पावर ले सकते हैं, चला सकते हैं। Alright, thank you so much. Sir, thank you so much. Faizan bhai for being on the show. और हमारी आपसे मुलाकात रहेगी क्योंकि आपका और मेरा शौक बहुत ज्यादा मिलता है। हमदा भाई, इंशाल्लाह we will see you soon then. Definitely. Thank you so much for inviting me. The overall experience of Oshan X7 was pretty good, लेकिन ये obviously compromises के बगैर नहीं है। इसका main जो मुझे drawback लगा है वो इसकी रेयर सीट का है, उसकी लेग स्पेस बहुत कम है, तो पहले दो पैसेंजर्स के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, लेकिन जो बैक पैसेंजर्स हैं उनको लॉन्ग रूट पे जो है वो परेशानी का सामना हो सकता है। और इस प्राइस रेंज में आपको बेसिक सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। इसके ट्रैक्शन कंट्रोल में मुझे थोड़ा सा इशू हुआ, क्योंकि जब ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन करते हैं तो गाड़ी का व्हील्स पिन नहीं होता, लेकिन इसमें आपने देखा 0-100 हम ट्राई कर रहे थे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होने के बावजूद इस गाड़ी ने व्हील्स पिन दिया। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी मैं ड्राइव को देखूं तो इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव, अपनी कंपेटिटर क्लास में मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर। सो दैट्स व्हाट यू गेटिंग इन ओशान X7 2022, एंड आई एम योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप।